एडीएम मंडी श्रवण मांडा ने जिला में गाड़ियों की बिक्री करने वाले डीलरों से आह्वान किया है कि वे अपने शोरूम में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने की दिशा में प्रयास करें। इसके लिए शोरूम में एक ऐसा कॉर्नर स्थापित किया जाए जहां ऑडियो वीडियो के माध्यम से यातायात नियमों की जानकारी दी जाए। ये आह्वान उन्होंने सड़क सुरक्षा अभियान के तहत डीलरों के साथ आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए किया। एडीएम मंडी ने कहा कि इस बात में कोई शक नहीं है कि लोग गाड़ी खरीद लेते हैं, लेकिन उन्हें यातायात नियमों की सही जानकारी नहीं होती। इसी कारण सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिससे जान माल का नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि यदि शोरूम में ही लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाएगा तो ये काफी लाभदायक साबित हो सकता है। वहीं कार्यशाला में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के लिए अपनाई जा रही ऑनलाइन प्रणाली को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई और डीलरों को इस संदर्भ में पेश आ रही समस्याओं को भी सुना गया, जिनके त्वरित समाधान का एडीएम मंडी ने आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि अब लोगों को गाड़ी खरीदने के बाद उसका पंजीकरण करवाने के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, बल्कि शोरूम में ही ये सुविधा प्रदान की जा रही है। इस मौके पर एडीएम श्रवण मांडा ने सड़क सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे हस्ताक्षर अभियान का भी विधिवत रूप से शुभारम्भ किया। कार्यशाला में आरटीओ मंडी संजीत सिंह ने सड़क सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी दी। कार्यशाला में जिला परिषद के चेयरमैन पाल वर्मा और आरटीओ मंडी कोमल ठाकुर सहित सभी प्रकार के वाहन विक्रेता भी शामिल रहे। इनसे ये भी आह्वान किया है कि जितने भी इनके ऑफिस है जहाँ लोग परचेज व्हीकल करते हैं, तो वहाँ पे एक अलग से एक ऐसा कॉर्नर बनाए जिसमें सड़क सुरक्षा को लेकर ऑडियो विजुअल हो और लाइव वहाँ पे उन्हें दिखाया जाए, क्योंकि ये हमें एडमिट करना पड़ेगा कि इग्नोरेंस जो है, जो ट्रैफिक रूल्स है और नियम है, उनको लेके काफ़ी ज़्यादा सोसाइटी में होती है। कई बार किसी व्यक्ति को सच में ही मालूम नहीं होता है कि जिस तरह से वो गाड़ी चला रहा है और जिस तरह से वो एक गलत सिग्नल दे रहा है, जिस तरह से ओवरटेक कर रहा है या अन्य कुछ चीज़ कर रहा है, कि एक ट्रैफिक नियम की वायलेशन है। तो हमने हर एक व्यक्ति की कोशिश करनी है कि जो ट्रैफिक रूल्स है और ट्रैफिक के नियम है, हर एक व्यक्ति तक पहुँचे। तो हम इनसे आह्वान किया है कि एक ऐसी कोशिश करें कि एक डेडिकेटेड कॉर्नर जो है अपने उसमें बनाएं, जहाँ पे जो भी लोग इनके पास व्हीकल खरीदने आए वहाँ सारे नियमों की उनको जो है जानकारी दी जाए। तो इस डीलर पॉइंट रजिस्ट्रेशन में भी अगर कोई डीलर्स के एंड पे कोई प्रॉब्लम्स आ रही थी, सभी डीलर से पूछा गया, कुछ डीलर्स ने प्रॉब्लम्स हमें बताई भी, तो एक इस तरह की एक वर्कशॉप आयोजित की गई ताकि जो भी दिक्कत जो है इसके इम्प्लीमेंटेशन में आ रही है उसे भी जो है अच्छे ढंग से जो है दिक्कतें दूर करके इस सिस्टम को और अच्छे ढंग से जो है लागू किया जाए। तो आरटीओ साहब ने जितनी भी कुछ दिक्कतें आई है सबके सोल्यूशन जो है यहाँ पे स्पॉट पे भी जो जो उन्होंने करना है सारा इनको जो है बताया, और साथ में अगर और कुछ इनके लेवल पे होना है वो भी जो है इमीडिएटली ये करेंगे। और साथ ही साथ सड़क सुरक्षा को लेके जो डीलर्स है, क्योंकि पूरे व्हीकल्स जो है यही सप्लाई करते हैं, इन्हीं से लोग व्हीकल्स खरीदते हैं, तो इनकी भी क्या जिम्मेवारियाँ बनती है, किस तरह ये जो है व्हीकल देते हुए जो है लोगों को, लेने वालों को जागरूक कराएं ताकि जो रोड एक्सीडेंट्स हैं हमारे वो जो है कम हो, और साथ में जो गाड़ियाँ रोडों पे हो उनको भी लोग जो है अच्छे एक अनुशासन के साथ चलाएँ ताकि बाकी भी जो ट्रैफिक की वजह से न्यूसेंस होती है वो भी जो है कम हो।